लोग कहते हैं कि प्यार दोबारा नहीं हो सकता, लेकिन हमारे कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को बेईमानी साबित कर दिया है। और ऐसे ही एक स्टार थे राजेश खन्ना। राजेश खन्ना को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। 70 और 80 के दशक में इन्होंने लाखों दिलों पर राज किया और बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ इनका नाम जुड़ा और इनके प्यार के अफसाने सामने आए। और ऐसा ही एक अफसाना सामने आया टीना मुनीम के साथ। जी हाँ, राजेश खन्ना और टीना मुनीम के प्यार के अफसाने को आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आप देख रहे हैं बॉलीवुड ठिकाना मेरे यानी अंकिता के साथ। वेल, मैं आपको ये बता दूँ कि अगर ये चैनल आपको पसंद आता है या फिर इसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। कमेंट में आप हमें ये भी लिखकर बता सकते हैं कि आप किन सितारों के अफसाने को सुनना चाहते हैं। खैर, शुरू करते हैं अब आज के अफसाने को। राजेश खन्ना, जैसा कि मैंने कहा, उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे। हर एक लड़की उन पे मरती थी, उनको अपना दिल दे बैठी थी। हम सब जानते हैं कि राजेश खन्ना की फैन फॉलोइंग किस हद तक थी। लड़कियां उनके पीछे पागल थीं। जब उन्होंने डिंपल कपाड़िया से शादी की तो खबरें ऐसी भी आईं कि बहुत सारी लड़कियों ने सुसाइड करने की कोशिश की। यहाँ तक कि खबरें तो ऐसी भी आती थीं कि जैसे ही राजेश खन्ना अपनी गाड़ी लेकर के कहीं पहुँचते थे, इनकी फीमेल फैंस वहाँ पर पहुँच जाया करती थीं। ऐसे में टीना मुनीम जैसी एक्ट्रेस के लिए बहुत लाजमी था अपना दिल दे बैठना इस सुपरस्टार को। राजेश खन्ना के करिश्मा से कोई भी कभी बच नहीं पाया और शायद यही कारण है कि उनका नाम बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा। लेकिन शादी उन्होंने डिंपल कपाड़िया से की। महज 16 साल की उम्र में डिंपल ने राजेश खन्ना से शादी कर ली। इन दोनों के बीच में उम्र का फासला काफी लंबा था, लेकिन प्यार इतना मजबूत था कि डिंपल राजेश खन्ना को शादी करने से इनकार नहीं कर पाई। खैर, शादी के कुछ साल तो इनके बीच में काफी अच्छे रहे। एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से शुरुआती दिन काट दिए। लेकिन 80 के दशक में राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के बीच में आ गईं टीना मुनीम। जी हाँ, राजेश खन्ना और टीना मुनीम के प्यार के चर्चे 80 के दशक में काफी आम हो गए। हर कोई इनके अफेयर के बारे में बात करने लग गया और इन दोनों ने भी खुलेआम अपने प्यार का इजहार किया। कई सारे इंटरव्यूज में इन दोनों ने ये बताया कि ये दोनों एक दूसरे को किस हद तक चाहते हैं। एक इंटरव्यू में तो इन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि ये दोनों एक ही टूथब्रश भी यूज करते हैं। लाजमी है ये बात डिंपल को पसंद नहीं आ रही थी। जहां पर राजेश खन्ना की लाइफ में ऑलरेडी डिंपल थी, वहीं टीना मुनीम ने ब्रेकअप किया था संजय दत्त से। टीना मुनीम ने इंडस्ट्री में आए संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी में ही अपना दिल संजय को दे दिया था। खैर, संजय दत्त और टीना के प्यार के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज काका यानी कि राजेश खन्ना और टीना मुनीम के अफसाने के बारे में बात करते हैं। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ 11 फिल्में की और इन्हीं फिल्मों के दौरान इन दोनों के बीच में नजदीकियां भी काफी बढ़ने लगी। मजेदार बात यह है कि टीना और राजेश की जोड़ी को ऑन स्क्रीन भी काफी सराहा जा रहा था। शायद यही कारण था कि इन दोनों ने अपने प्यार को कभी छुपाया नहीं। इन्हें मालूम था कि इनका प्यार इनकी फिल्मों की तरह ही सक्सेसफुल हो जाएगा। इन दोनों का प्यार इतना मजबूत था कि यही कारण बन गया कि राजेश खन्ना की हर दूसरी फिल्म में अब टीना मुनीम नजर आने लग गई थी। हम आपको ये भी बता दें कि टीना मुनीम और राजेश खन्ना ने एक साथ मिलकर कुछ 11 फिल्में की हैं, जिनमें से एक अधिकार है, अलग अलग, सौतन और भी ऐसी कई सारी फिल्में हैं जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया। और साथ ही ये बात भी जग जाहिर हो चुकी थी कि इन दोनों की जोड़ी को ऑडियंस काफी पसंद कर रही है और इसी बात का फायदा उठाया राजेश खन्ना और टीना मुनीम ने और एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल हो गए कि अपने प्यार का इजहार खुलकर करने लग गए। जहां पर राजेश खन्ना ऑलरेडी मैरिड थे डिंपल कपाड़िया से, वहीं पर टीना मुनीम का अभी अभी ब्रेकअप हुआ था बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त के साथ। और उसके बाद जब इनका नाम राजेश खन्ना के साथ जुड़ने लग गया तो ये बात संजय दत्त को कतई पसंद नहीं आई और यही कारण था कि एक बार राजेश खन्ना को मारने के लिए संजय दत्त उनके सेट्स पर भी पहुंच गए। और वही वो टाइम था जब राजेश खन्ना
और टीना मुनीन के बीच में दरार पड़ गई। हालांकि इनके प्यार के अफसाने की उम्र काफ़ी छोटी थी, क्योंकि रीजंस बहुत ऑब्वियस थे। संजय दत्त का राजेश खन्ना के साथ झगड़ा करना और डिंपल कपाड़िया का राजेश खन्ना की ज़िंदगी में ऑलरेडी होना, ऐसे में टीना मुनीन से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो राजेश खन्ना की ज़िंदगी में एक दूसरी औरत बन के रह जाएं। टीना मुनीम ने बहुत कोशिश की कि राजेश खन्ना डिंपल को डिवोर्स दे दे, लेकिन राजेश खन्ना ने इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और यही कारण बना इन दोनों के ब्रेकअप का। टीना मुनीम को अब ये समझ में आ गया था कि अगर राजेश खन्ना को डिंपल और टीना में से किसी को चुनना पड़ा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी डिंपल को ही चूज करेंगे, और तभी इन दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली। इनकी लव स्टोरी तो ख़त्म हो गई, लेकिन इनके प्यार के अफसाने को लोग अभी भी याद रखते हैं और अभी भी उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे में हमने सोचा कि ये खूबसूरत अफसाना हम भी आपके सामने लेकर आए। लेकिन अगर आपको और भी अफसाने सुनने हैं आपके चहीते फिल्म स्टार्स की, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। फिलहाल मेरे जाने का वक्त हो चुका है, मैं आपसे विदा लूँगी फिर से उसी वादे के साथ जो हर बार करती हूँ, कि आपके लिए फिर लेकर आऊंगी अफसाना प्यार का। तब तक देखते रहें बॉलीवुड ठिकाना।